और पंचकूला से इस वक्त की बड़ी खबर, बता दें आपको कि 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कार्यक्रम में पहुंचने के बाद हरी झंडी दिखाई बाइक रैली को। बता दें कि कार्यक्रम में रोड सेफ्टी को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में कई स्कूली बच्चे भी पहुंचे। अध्यापकों और स्कूली बच्चों को रोड सेफ्टी को लेकर एक्सपर्ट्स ने जानकारी दी। रोड सेफ्टी पर सावधानियां बरतने की सलाह दी गई और बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पंचकुला में 31वें सड़क सुरक्षा सप्ताह पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे मुख्य अतिथि के रूप में। कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। कई स्कूली बच्चों को, सामाजिक लोगों को, अध्यापकों को यहां रोड सेफ्टी को लेकर सावधानियां बरतने की सलाह दी गई। रोड सेफ्टी को लेकर जानकारी दी गई, लोगों को जागरूक किया गया। तो बता दें कि सप्ताह भर इसी तरह से लोगों को जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम में रोड सेफ्टी को लेकर रोजाना विभिन्न कार्यक्रमों के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा। और पंचकूला से इस वक्त की बड़ी खबर, बता दें आपको कि 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कार्यक्रम में पहुंचने के बाद हरी झंडी दिखाई बाइक रैली को। बता दें कि कार्यक्रम में रोड सेफ्टी को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में कई स्कूली बच्चे भी पहुंचे। अध्यापकों और स्कूली बच्चों को रोड सेफ्टी को लेकर एक्सपर्ट्स ने जानकारी दी। रोड सेफ्टी पर सावधानियां बरतने की सलाह दी गई और बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पंचकुला में 31वें सड़क सुरक्षा सप्ताह पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे मुख्य अतिथि के रूप में। कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। कई स्कूली बच्चों को, सामाजिक लोगों को, अध्यापकों को यहां रोड सेफ्टी को लेकर सावधानियां बरतने की सलाह दी गई। रोड सेफ्टी को लेकर जानकारी दी गई, लोगों को जागरूक किया गया। तो बता दें कि सप्ताह भर इसी तरह से लोगों को जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम में रोड सेफ्टी को लेकर रोजाना विभिन्न कार्यक्रमों के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा।